हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज बाइक डॉक्टर में। आज की वीडियो में हम बाइक के टायर के बेयरिंग और ग्रीस चेंज करना सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 14 नंबर की जो बोल्ट ब्रेक का होता है उसे 14 नंबर के पाने की मदद से खोलेंगे। और ये जो सामान निकलेंगे इनको किसी एक बर्तन में रख लेंगे तो कहीं पर खोए नहीं। इसलिए उसके बाद में ब्रेक पत्ती का बोल्ट होता है उसको खोलेंगे। उसमें 12 नंबर का बोल्ट होता है, किसी में 14 नंबर का बोल्ट होता है, तो जो भी होगा उसे खोल लेंगे। तो मैं 14 नंबर का बोल्ट उसे खोल रहा हूँ। और ये मेरे हाथ में ये रिचिट बना है, इससे बहुत जल्दी खुलता है। उसके बाद में हम बाइक की मेन एक्सल होती है लंबी वाली, उसे खोलेंगे। इस साइड एक साइड 19 नंबर का पाना लगेगा और दूसरी साइड 17 नंबर का। स्पॉकेट साइड 17 नंबर का पाना लगेगा, जो कि 17 नंबर पाना या गोटी से किसी से भी खोल सकते हैं। तो मैं गोटी से खोल रहा हूँ, इसे जल्दी खुलेगा। मेरे एक हाथ में 19 नंबर की डेवरी है, जो उस एक्सल के दूसरी साइड किसी भी थी वो खुल गई। ये चेंचड़ी है, अब मैं एक्सल को बाहर निकालेंगे खींच के। अगर खींचने से नहीं आती तो 17 नंबर का पाना इसमें फंसा के खींच लेंगे एक्सल को। उस साइड से पाइप निकलेगा चेचिस और ड्रम प्लेट की, दोनों के बीच में होगा, उसे निकाल लेंगे। फिर टायर की ठोक के टायर को बाहर निकालेंगे। दोस्तों टायर के बेयरिंग बाहर निकालेंगे, ये पैचेस लेंगे, उसको जो नीचे वाला बेयरिंग है उसके कोने के ऊपर लगाएंगे, ऊपर से चोट मारेंगे तो नीचे वाला बेयरिंग बाहर निकल जाएगा। फिर इसी तरह इसको उल्टा करके दूसरा वाला बेयरिंग बाहर निकालेंगे। अब हब के अंदर से कपड़ा डाल के जो ग्रीस लगा हुआ काला काला उसे साफ करेंगे। इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे चारों तरफ से। इसके बाद नए वाले बेयरिंग लेंगे जिसका नंबर 6301 है। ये स्प्लेंडर रिलैक्स इन गाड़ियों में लगता है। बेयरिंग को ठोकेंगे और धीरे धीरे तरह से चोट मारेंगे। बेयरिंग एकदम सीधा लगाएंगे फिर चोट मारेंगे। बेयरिंग को अंदर लगाएं से पहले बेयरिंग के ऊपर जो काली काली खेप होती है उसको अल्टरनेट ब्लेड से बाहर निकालेंगे, ताकि इसको ऊपर लगा सके वापस गियर से बनने के बाद, इससे अंदर डस्ट नहीं जाएगी, बेयरिंग खराब नहीं होगा। अभी सेंटर पाइप डालेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर बेयरिंग लगाएंगे। उससे पहले इस बेयरिंग की भी वो काली वाली केप हटा लेंगे। बेयरिंग को ठोकने के बाद अब इसमें गियर भरेंगे, बेयरिंग के दोनों तरफ बेयरिंग में गियर भरेंगे। गियर भरने के बाद ये काले वाले जो केप है वापस लगा देंगे, इससे डस्ट अंदर नहीं जाएगी, कुछ कचरा इसरा अंदर नहीं जाएगा बेयरिंग का। बेयरिंग टूटने का डर बन जाएगा, खराब में गियर लगाने से। दोस्तों मैं वापस टायर फिट करेंगे। इसके बाद वापस टायर जो ब्रेक की
ड्रम प्लेट इसको अंदर डालेंगे। मैं नेक्सल लेंगे, उसको स्पोर्ट या बेरिंग तक आधे डालेंगे। अब कपलिंग रबड़ को उसके अंदर फंसाएंगे। फंसने के बाद एक्सल को धीरे धीरे ठोकेंगे अंदर की तरफ। फिर एक्सल को प्लेट तक लाएंगे। फिर ये पाइप लगा ब्रेक प्लेट और उसके केच के बीच में। फिर एक्सल को पूरे ठोक देंगे पीछे से। टायर को तिरछा करेंगे। फिर छोटी वाली चेंचड़ी लगाएंगे। इसके बाद 19 नंबर की जो ढेबरी खोली थी वो लगाएंगे। फिर मैंने एक्सल को थोड़ी टाइट करने के बाद नीचे ड्रम प्लेट का जो बोल्ट पत्ती लगी हुई है उसको टाइट करेंगे। इसको फुल टाइट करेंगे। उसके बाद में ब्रेक की रॉड लगाएंगे। इसके सबसे पहले इसमें एक छोटा वाइस रहता है वो लगाएंगे। ये मेरे हाथ में है जो। उसके बाद में स्प्रिंग लगाएंगे। फिर ये छोटी सी गोली आती है इसको कैम के अंदर लगाएंगे। फिर ब्रेक रॉड को इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद पीछे जो 14 नंबर का 14 नंबर की जो डेप रहती है उसको टाइट कर देंगे। यहाँ से ब्रेक एडजस्टमेंट होता है, अपने हिसाब से ब्रेक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में एक तरफ 19 नंबर का पैनल लगाएंगे, एक तरफ 17 नंबर का पैनल लगा के मैन एक्सल को फुल टाइट करेंगे। तो दोस्तों इससे हम कपलिंग रबर चेंज कर सकते हैं अपनी बाइक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।